हाँ, इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है? ओसिया के चिराय गांव में जस्ट कुछ दिन पूर्व ये घटना हुई, उसकी इतना निंदा की जाए उतनी कम है। जिस तरह से परिवार के सदस्य के द्वारा ही रात को सो रहे अपनी के परिवारजनों की निर्मम हत्या जो की गई है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज पूरा प्रदेश हम देख रहे हैं इन परिवार को लेकर कितना भावुक है। आज यहाँ आकर के बचे हुए परिवारजनों से बातचीत की, मौका वारदात वाला स्थल देखा और मैं खुश घटना जो हमें हैं उन सबको श्रद्धांजलि देती हूँ और आपके माध्यम से संदेश देते हैं सभी परिवारजनों को कि कृपया कर इस तरह ख्यालात, इस तरह के विचार अपने दिमाग में ना लाएं। और परिवार है तो सब कुछ है, वो इस पीड़ित जो परिवार है जो पीछे रह गए हैं पीड़ित परिवार उनके साथ मेरी शादी हम लोग आयोग साथ में खड़ा है। सरकार की बात हो तो सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से हम जो भी संभव होगा इस परिवार के लिए मदद करेंगे और जो चले गए हैं उनको मेरी आश्रुपित श्रद्धांजलि अर्पित करें। परिवार को आर्थिक सहयोग वगैरह आयोग की तरफ से कुछ? बिल्कुल, जो भी हमारे मन पड़ेगा उसको हम करेंगे। आज मैंने यहाँ देखा है मौका वारदात और आयोग की तरफ से भी मैं जो भी होगा उसको आदेशित करूँगा। जोधपुर में बढ़ती क्राइम की घटनाओं के ऊपर आपका क्या कहना? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अधिक आवश्यकता है सामाजिक चेतना लाने की, बहुत अधिक आवश्यकता है इस बढ़ते हुए इसको लेकर के चिंतन मनन की। और जो नेट का उपयोग बहुत अधिक हो रहा है, मोबाइल्स का उपयोग बहुत अधिक हो रहा है, उनको लेकर एक बार कहीं ना कहीं जो गलत इसमें वीडियोज़ आते हैं उन पर रोक लगाने की। बाल आयोग भी इसको लेकर कार्यशाला रख रहा है। कल से आबू रोड में ब्रह्म कुमारीज में हमारी 3 दिवसीय कार्यशाला रहेगी जिसमें पूरे देश भर के राज्यों के बाल आयोगों के अध्यक्ष रहेंगे, IAS अधिकारी रहेंगे। हम लोग सब एक ही पटल पर बैठकर इसी पर बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये बढ़ते हुए जो नेट की उपयोगिता है उसको किस तरह से सही उपयोग किया जाए और जो गलत चीज़ें आ गई हैं और हम देख रहे हैं युवा पीढ़ी और अन्य लोग इसके प्रैक्टिकली जो करने का प्रयास कर रहे हैं उससे ये वारदातें हमारे सामने निकल कर आ रही है, उस पर किस तरह से अंकुश लगाएं उसके लिए बाल आयोग कार्य करेगा। कल एक लोड थाना क्षेत्र में घटना हुई थी जो पिता के द्वारा, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, जैसे ही इस घटना की जानकारी हमारे संज्ञान में आई तुरंत प्रभाव से बाल आयोग ने पूरे मामले का संज्ञान भी ले लिया है और ग्रामीण SP से हमने मौका रिपोर्ट 3 दिवस के अंदर अंदर मांगी है। अपराधी चाहे वो पिता हो या परिवार का कोई सदस्य हो, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और बच्ची को मुख्य धारा के लाने हेतु हम उसकी काउंसलिंग करते हुए देखरेख रखेंगे। थैंक यू मैडम।